सो है व्हाट्सअप एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ड्रीम इलेवन के प्रोडक्शन के वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले यॉर्कशायर वर्सेस ससेक्स के गाइस T20 मैच के बारे में। क्वार्टर फाइनल मैच खेलने वाला है गाइस, अपना क्वार्टर फाइनल वन होने वाला है इस टूर्नामेंट का। तो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने की पूरी पूरी उम्मीदें हैं। दोनों की प्लेइंग इलेवन आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं गाइस। इस वीडियो में हम आपको ड्रीम इलेवन की टीम देंगे, प्लेयर प्रीव्यू देखेंगे, टीम प्रीव्यू देखेंगे, टीम एनालिसिस करेंगे, कौन सा प्लेयर खेलेगा कौन सा प्लेयर नहीं खेलेगा, इन सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो को मिस आउट बिल्कुल मत करना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारा दो काम कर दीजिए, एक तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है गाइस, वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वरना आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। जस्ट यहाँ पर सर्च करा पॉसिबल 11 विदाउट एनी स्पेस, जो आपको 16,500 सब्सक्राइबर्स चैनल ज्वाइन करना है। इसके अलावा बाकी सारे चैनल कोई भी चैनल ज्वाइन नहीं करना है, यहीं पे आपको सारी टाइम टू टाइम अपडेट मिलेगी, टीम न्यूज़ मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। इस टीम की फाइनल टीम भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही अपडेट होगी गाइस टॉस होने के बाद। तो टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये गाइस। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ गाइस। अगर हम दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर नज़र मार लगे, दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन काफ़ी ठीक ठाक लग रही है, स्टेबल टीम लग रही है। बैटिंग साइड अगर हम देख लगे, यॉर्कशायर की काफ़ी अच्छी बैटिंग साइड है, स्टेबल बैटिंग साइड है, पावरफुल इंपैक्ट क्रिएट करने वाली बैटिंग साइड है। और अगर हम बात कर लेंगे ससेक्स की, ससेक्स के पास अच्छे ऑलराउंडर है, डेविड वीज़ है उनके पास, क्रिस चॉलन है, तो मतलब ठीक ठाक ऑलराउंडर है अपनी ससेक्स की टीम के पास। अगर हम बात कर लें यॉर्कशायर की टीम अपडेट के बारे में गाइस, इन्होंने अपना जो पॉइंट्स टेबल में गाइस फोर्थ पोजीशन पर थी लास्ट टाइम गाइस, अब ये इनका मैच है गाइस अपना ससेक्स की टीम के अगेंस्ट गाइस, जो ससेक्स की टीम थर्ड पोजीशन पर थी अपने ग्रुप में पॉइंट्स टेबल में। सो गाइस ये टीम विनिंग मोमेंटम के दोनों टीमों के पास है गाइस, दोनों टीमें चाहेंगी कि अच्छा परफॉर्म करके गाइस अपनी प्लेस सेमीफाइनल में बनाने की गाइस। तो अगर हम यॉर्कशायर की गाइस बैटिंग का ऑर्डर देख लेंगे, तो टॉप ऑर्डर में इनकी तरफ से आएंगे गाइस एडम लिथ एंड मार्क स्टोन में गए। एडम लिथ बहुत अच्छे पिक रहने वाले हैं आज के मैच के लिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इनको ग्रैंड लीग में एज अ कैप्टन बना के लेके जाना, एक ना एक मैच में आपको अच्छा परफॉर्म करके दे सकते हैं एडम लिथ विदाउट एनी डाउट गए। जिनके साथ में माने गए अगर मार्क स्टोन में गए, ये भी काफ़ी अच्छे परफॉर्मर हैं गाइस। ये गाइस आपको पता है जॉनी बेयर्स से तो बाहर गए, तो जॉनी बेयर्स से तो खेलने वाले नहीं है ये मैच। डेविड वीज़ काफ़ी अच्छी पिक रहने वाले हैं गाइस आपके लिए, ऑलराउंडर कर बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, ऑलराउंडर प्लेयर है काफ़ी अच्छे गाइस। बॉलिंग डिपार्टमेंट में गाइस स्पिन के हिसाब से आएंगे गाइस आदिल रशीद, पेस बॉलिंग में गए लॉकी फर्ग्यूसन एंड मैथ्यू फिशर गए, दोनों ही बहुत अच्छे पेस बॉलर्स हैं गाइस। अगर बात कर लेंगे ससेक्स की टीम के अपडेट के बारे में, तो गाइस ससेक्स की टीम अपनी मैं आपको बताई तो थर्ड पोजीशन पर थी, अपने लास्ट मैच जीत के इन्होंने पॉइंट टेबल में जगह बनाई थी, सीधे थर्ड पोजीशन पर इन्होंने जंप मारी थी अपने ग्रुप में। अगर हम इनके ओपनिंग पेयर के बारे में बात कर लेगा, तो ओपनिंग पेयर में इनकी तरफ से आएंगे लुक राइट एंड फिलिप सॉल्ट गए, दोनों ही बहुत अच्छे ओपनिंग बैट्समैन हैं। अपनी ससेक्स की टीम से टॉप पिक्स भी यही रहने वाले हैं गाइस, दोनों ही बहुत अच्छी ऑन द फॉर्म में है। गाइस स्पिन बॉलिंग की तरफ से आएंगे गाइस अपने आर की लैंडहम एंड गाइस पेस बॉलिंग की तरफ से आएंगे गाइस अपने क्रिस चॉलर एंड टाइमन मिल गए, दोनों ही बहुत अच्छे पेस बॉलर हैं तो अपनी ससेक्स की टीम की तरफ से। गाइस उनका मेजर मिशन रहेगी वो गाइस राशिद खान की रहेगी, क्योंकि आपको पता ही राशिद खान अभी नहीं आ सकते बॉलिंग करने के लिए। एंड गाइस अगर हम हेड टू हेड के बारे में बात करें, तो गाइस हेड टू हेड में गाइस यॉर्कशायर अपने दो मैच जीते, ससेक्स अपने तीन मैच जीते, यहाँ से थोड़ा सा पल रहा भारी हो जाता है ससेक्स की टीम का। अगर हम टॉप पिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, टॉप पिक्स यहाँ पर रहने वाले गाइस अपनी ल्यूक राइट, टाइमल मिल्स, लॉकी फर्ग्यूसन, हैरी ब्रुक एंड टॉमस बेस, वैसे सारी अपने टॉप पिक्स रहने वाले। ट्राई टू टेक ऑल द पिक्स इन योर टीम। गाइस फैंटेसी टिप्स के बारे में बात कर लेंगे, टॉप ऑर्डर बैट्समैन ज़्यादा लेना गाइस, क्योंकि आपको पता है बैटिंग पिचा पूरा बैटिंग सरफेस है गाइस, 180 रन तो यहाँ पे गाइस पार स्कोर की तरह हमें देखते हैं। तो वो ट्राई करना अपनी टीम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम टॉप ऑर्डर बैट्समैन लेने की। गाइस अगर हम बात कर लेंगे की प्लेयर दोनों टीमों के, की प्लेयर अपने यहाँ पे रहने वाले हैं एडम लिथ, गैरी बैलेंस, हैरी ब्रूक, डेविड विलियर्स, जॉर्डन थॉमसन, डोमिनिक बेस, आदिल रशीद, लॉकी फर्ग्यूसन। ससेक्स की तरफ से गाइस ल्यूक राइट, फिलिप सॉल्टर, विवो बारा, हेड वीजे, जॉर्डन गार्ड और मिल्स, ऐसे सारे टॉप पिक्स रहने वाले हैं। इन्हीं टीमों में से अपने टीम बनाना गाइस, इन्हीं पिक्स में से अपनी फाइनल की 11 प्लेयर्स चूज करना, मेरी तो यही आपको सजेशन रहने वाला है। बस पिच रिपोर्ट हमारी यही कह रही है कि बैटिंग पिच आपको पता ही है 180 रन तो पार स्कोर है रहने वाला है। अगर जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी वो यही चाहेगी कि एटलीस्ट 180 रन बनाएगा, 180 से 200 रन बन जाते हैं इस पिच पे, तो गाइस ऐसा अच्छा टोटल रहने वाला है गाइस 200 के हिसाब से। बट गाइस अगर यहाँ पे 180 से रन कम पड़ गए, तो गाइस बैटिंग टीम को गाइस बहुत घाटा होने वाला है, चेजिंग टीम आराम से चेज कर लेगी 180 रन तो आराम से चेज कर लेगी चेजिंग टीम। सो गाइस यही दोनों टीमें चाहेंगी कि बाद में बैटिंग लेने, मतलब टॉस जीतने के बाद बॉलिंग लेने ही ज़्यादा प्रेफर करेगी दोनों टीमें। तो
तो गाइस चलते हैं अपने ड्रीम इलेवन की टीम की तरफ। सो गाइस अगर हम बात करें तो विकेट कीपर सेक्शन में, गाइस विकेट कीपर सेक्शन में अपने पास गाइस बहुत अच्छी पिक रहने वाले गाइस फिलिप शॉर्ट का। इनके अलावा मैं नहीं चाहूँगा कि आप कोई और विकेट कीपर सिलेक्ट करें गाइस, क्योंकि और कोई विकेट कीपर इतना कुछ खेलता नहीं है गाइस। जॉनी बेयरस्टो तो गाइस जॉनी बेयरस्टो अवेलेबल है नहीं अपनी टीम के लिए, वो जहाँ से अपने फिलिप शॉर्ट की मेन पिक रहने वाली है। सेकेंड अगर हम बैटिंग में देख लें तो बैटिंग में यहाँ पर लुक राइट ब्रूक को लेंगे गाइस हम, यहाँ से हम रॉलिंस को ले लेंगे एंड गाइस ऑलराउंडर में गाइस यहाँ से रवि भोपारा डेविड विले एंड गाइस एडम लिथ डोमिनिक बेस्ट भी काफ़ी अच्छी पिक रहने वाले गाइस आपके लिए, आप चाहें तो डोमिनिक बेस्ट को भी ले सकते हैं। गाइस बॉलिंग डिपार्टमेंट देख लेगा, बॉलिंग डिपार्टमेंट यहाँ से राशिद खान तो गाइस होंगे नहीं अपनी टीम में गाइस, यहाँ से आदिल रशीद यहाँ से एंड क्रिस जॉर्डन फिशर गाइस, जैसे कि अपने पास एक पिक रहने वाली गाइस या तो आप टाइमन मिल्स को ले सकते हैं गाइस, ये भी काफ़ी अच्छी पिक रहने वाली है गाइस, अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। वरना कहें आप यहाँ से थॉमसन को भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी पिक लेने के ले सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छी पिक रहने वाली है आपके लिए। बैटिंग ऑलराउंडर अगर अपनी टाइमन मिल्स का है तो ट्राई कर मतलब सॉरी थॉमसन का है तो ट्राई करना कि थॉमसन को ले लीजिए या फिर मतलब टाइमन मिल्स का दोनों में से कोई भी ले सकते हैं आप, दोनों काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने की दम रखते हैं अपनी अपनी कैटेगरी में गाइस। मैं यहाँ से फिलहाल के लिए थॉमसन को लेना चाहूँगा। मैं फाइनल टीम वैसे भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ट्वीट कर देंगे, तो अगर टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन कर लेना गाइस। कैप्टन बैट कैप्टन गाइस मैं से ब्रूक को कैप्टन बनाने वाला हूँ, वाइस कैप्टन बनाऊंगा गाइस रवि भोपारा को गाइस। ये मेरे लिए अभी के लिए फाइनल टीम रहने वाली है गाइस, इसी टीम के साथ मैं सारे कुंडे ज्वाइन करूंगा। कोई भी हल्का हल्की सी अपडेट होती है, कोई भी प्लेयर चेंज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर बताया कि थॉमसन की जगह हमें टाइमन मिल्स ही लेना कंफर्म हो गया, तो गाइस मैं वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पर ही अपडेट करूंगा। तो अगर टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन कर लेना गाइस, लास्ट मोमेंट अपडेट आपको वहीं पर मिलेगी टॉस होने के बाद। सो गाइस ये वीडियो यहीं तक की थी गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।